हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं वो है अवार्ड्स 2021 जून तक जो भी अवार्ड्स मिले हैं, किसी भी सेक्टर के अवार्ड्स हों उनकी हम वन लाइनर वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। दो पार्ट में ये वीडियो रहेगी, ये पार्ट वन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जैपनीज गवर्नमेंट। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो कि जैपनीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो किसको में दिया गया? वो दिया गया श्यामला गणेश को। 2021 ल्यूरेट ऑफ यूनेस्को गुइलेमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, नेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आ सकता है। इसलिए 2021 ल्यूरेट ऑफ यूनेस्को गुइलेमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये किसको मिला? ये दिया गया मैरिया रेसो रेपल्स, रेपल्स की ये जो CEO है मैरिया रेसो, इनको मिला। आइकॉन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। तो आइकॉन अवार्ड जो कि 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स जो फंक्शन था उसमें किसको दिया गया? ये दिया गया पिंक जो कि एक सिंगर हैं। अरलाइन पचेट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया जस्टिस गीता मित्ता को, अरलाइन पचेट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 ये किसको दिया गया? बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हमारे विराट कोहली को पीछे छोड़ा था। ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 ये किसको दिया गया? ये दिया गया एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन द 15th शेख जैद बुक अवार्ड। तो जो वो फर्स्ट इंडियन कौन है जो कि जिन्होंने 15th शेख जैद बुक अवार्ड जीता? वो हैं डॉक्टर तहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर तहिरा कुतुबुद्दीन। बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन ए शॉर्ट फिल्म नेम्ड हैप्पी बर्थडे एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया जो कि एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी हैप्पी बर्थडे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है ये। तो ये किनको मिला? ये मिला अनुपम खेर को। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर वर्क इन डेवलपिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस टू एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम्स। तो 2021 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसको दिया गया? वो दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिल्स्टेड को। किसके लिए दिया गया? इन्होंने जो काम किया था डेवलपिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस टू एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम जो पानी से रिलेटेड खेती होती है उसके लिए। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 इंटरनेशनल का जो इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 है वो किसको दिया गया? रमेश पोखरियाल निशंक जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको दिया गया इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021। फर्स्ट वुमन माउंटेनियर्स टू समिट माउंट पुमोरी इन नेपाल। तो फर्स्ट वुमन माउंटेनियर कौन है जो कि सबमिट किया माउंट पुमोरी इन नेपाल? तो वो हैं बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश से एंड गुनबला शर्मा। लोगों ने बैनर देखा था, शुरुआत में हमने बताया भी था। आज हम आपके सामने लेके आए हैं परीक्षा द सक्सेस ऐप। इस ऐप पे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सबसे पहले हमने उसकी टेस्टिंग की, जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके साथ हमने उसको शेयर किया, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या सेम पैटर्न सेम टाइम कंज्यूम कर रही है ये ऐप। तो वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आने के बाद हमने जो है परीक्षा ऐप के साथ बात की और आपके साथ हम लेके आए हैं परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपके टाइम मैनेजमेंट में। इसमें हम आपको जो है जो परीक्षा ऐप ऑफर कर रही है वो मेन कंटेंट के अलावा आपको दे रही है फ्री डेली मिनी मॉक्स कंसर्न सब्जेक्ट के और करंट अफेयर्स के। इसके अलावा जो है आप कम्पीट कर सकते हो दूसरे एस्पिरेंट्स ने जो दिया है एग्ज़ाम, आपका लेवल क्या है आप कम्पीट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हो डिस्कशन पैनल में। इसके अलावा
आप सब्जेक्ट वाइज आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि टॉपर जो है उसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लगाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियसली 5 स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करके बनाई गई है। परीक्षा ऐप में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अभी जो है TGT हिंदी की टेस्ट सीरीज, TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर, इनकी जो है अवेलेबल है और मोर अभी ऐड होने वाले हैं सब्जेक्ट्स एज पर दी रिक्वायरमेंट। अभी जो है मैक्सिमम इन्हीं लोगों ने जो है रिक्वायरमेंट रखी, उसी के बेस पे ये डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर इसका। डेमो टेस्ट अवेलेबल है, आप जाएं और डेमो टेस्ट देखिए। अब बात करते हैं हम कि एंडी क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली 300 रुपीज़ का ये पैकेज है, लेकिन जैसे ही आप एनडी कोड ANDY50 कोड एंटर करेंगे तो ये आपका 50% लेस होके सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। आप जाइए, एक डिटेल वीडियो हम इसकी सेपरेट से बनाएंगे, इसको इसमें हमने वैसे ही इंक्लूड किया है ताकि आपको नॉर्मली जानकारी दे सके। राजस्थान से 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज फॉर डेवलपिंग रिवोल्यूशनरी DNA सिक्वेंसिंग टेक्निक्स, नेमली नेक्स्ट जनरेशन DNA सिक्वेंसिंग। तो जो 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज है वो किसके लिए दिया गया है, वो दिया गया है नई DNA सिक्वेंसिंग टेक्निक प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन DNA सिक्वेंसिंग। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड प्रोफेसर डेविड क्लेरनमन को, जिन्होंने जो है नई जो है DNA सिक्वेंसिंग टेक्निक जनरेट की है। 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, तो जो 10वां एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो कि 2020 में हुआ था वो किसको मिला, वो मिला सुरेश मुकुंद को। टेम्पलटन प्राइज 2021, तो टेम्पलटन प्राइज 2021 किसको मिला, ये मिला जेन गुडॉल को। प्रेस्टिजियस एटिने ग्लिचिक अवार्ड ये किसको मिला, तो ये मिला हॉकी इंडिया को, प्रेस्टिजियस एटिने ग्लिचिट अवार्ड। मोनेको ग्रैंड पिक्स 2021, ग्रैंड पिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, अगर आपने पिछले एग्जाम देखे होंगे अभी जो हुए हैं हाल फिलहाल में, तो ग्रैंड पिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। मोनेको ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता, वो जीता मैक्स वर्टर्स वर्स्टापन ने। मोनेको ग्रैंड पिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापन ने जीता। गोल्ड अवार्ड एट 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड फॉर मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन अंडर COVID-19, तो जो गोल्ड अवार्ड 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड वो किसके लिए दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए जो कि COVID-19 के लिए किया गया, तो वो किसको दिया गया, ये दिया गया स्पाइस हेल्थ लैब्स जो हैं उनको ये दिया गया। प्रेस्टिजियस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, तो जो 2021 का प्रेस्टिजियस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है जो कैटेगरी है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो वो किसको दिया गया, वो दिया गया कृषि आवाम पारिस्थितिकी विकास संस्थान, तो इसको जो है प्रेस्टिजियस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया। प्रेजिडेंट्स अवार्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग हॉकी इन उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो है हॉकी को प्रमोट करने के लिए प्रेजिडेंट का अवार्ड किसको दिया गया, वो दिया गया VK पांड्यान को, प्रेजिडेंट्स अवार्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 फॉर हिज रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, तो जो इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 का है वो रिसर्च करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए वो किसको दिया गया, वो दिया गया भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, तो इनको पहले भारत रत्न भी मिल चुका है तो प्रोफेसर CNR राव को मिला है ये अवार्ड। स्पेन टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड इन द सोशल साइंस कैटेगरी द स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन, स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया था, हमने फिर भी इसको इंक्लूड किया है, वो प्रिंस पूछा गया था भी, हमने यहाँ प्रिंसेस पूछा गया है, तो अमृत्य कुमार सेन प्रिंसेस या प्रिंस कुछ भी कह सकते हैं इस अवार्ड को, तो ये क्वेश्चन में जो एग्जाम अभी हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है। रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड फ्रॉम द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, तो रुडोल्फ वी जो सिंडलर अवार्ड है वो किसको दिया गया, वो दिया गया पद्म भूषण डॉक्टर D. नागेश्वर रेड्डी को, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल एंडोस्कोपी के द्वारा ये दिया जाता है। यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया रॉबर्ट लेवांडोस्की को यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड। सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया, सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बेले को दिया गया। नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल प्राइज़ किसको दिया गया, ये दिया गया मैगी ओ फेरल्स हैमेट को दिया गया। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। कलिंगा रत्ना सम्मान 2021 कलिंगा रत्न सम्मान 2021 किसको सम्मान किसको मिला, तो ये मिला विश्वाभूषण हरिचंद्रन गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश को मिला कलिंगा रत्न सम्मान 2021। साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप के विजेता कौन, अनन्यन मिथुन जो हैं साउथ एशिया एशियन वुशु चैंपियनशिप के विजेता रहे। तीसरा 30वां जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसको दिया गया, 30वां जो है जी डी बिरला साइंटिफिक अवार्ड दिया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया। 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी एएम ट्यूरिंग अवार्ड, तो अवार्ड का नाम है एएम ट्यूरिंग और एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरीज को देती है, तो 2020 का किसको दिया गया, अल्फ्रेड वी हो एंड जेफरी डेविड उलमन को ये दिया गया। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन फ्रेंच अवार्ड, तो फ्रेंच का जो सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, तो ये दिया गया किसको, ये दिया गया गुनीत मोंगा फिल्म मेकर हैं उनको ये दिया गया। अबू धाबीज टॉप सिविलियन अवार्ड, अबू धाबी का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया, यूसुफ अली एमए को दिया गया अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड। नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस 2019-20 नेशनल अवार्ड जो है इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए वो किसको दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। सर रिचर्ड हैंडली मेडल किसको मिला, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनको मिला सर रिचर्ड हैडली मेडल। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड जो कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में दिया गया वो किसको मिला, वो मिला पुगल्या नेम ऑफ द मराठी फिल्म, तो ये एक मराठी फिल्म है जिसको ये मिला पुगल्या। 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इस ये रॉबर्ट बेनिग्नी को मिला 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। यूएनस नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड किसको मिला, यूनाइटेड नेशन का जो नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड है वो किसको मिला, आदित्य बिरला ग्रुप्स बिरला सेलुलोज लिमिटेड को, आदित्य बिरला ग्रुप की जो है बिरला सेलुलोज लिमिटेड उसको मिला यूनाइटेड नेशंस का नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जो दिया जाता है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा, तो वो मिला रुमन सैगल को, रुमाना सैगल को मिला। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड बाय वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन ये किसको दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो दिया जाता है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा। कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6 तो इसमें किसको विजेता कौन रहा, IIT खड़गपुर कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6 का। ग्रेट प्लेस टू वर्क बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, तो ग्रेट प्लेस टू वर्क जो अवार्ड है जो कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है ये मिला ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क। रेडबोन्स फोलियो प्राइज 2021 जो किसके लिए दिया गया, बुक के लिए दिया गया जिसका टाइटल है इन द ड्रीम हाउस ए मेमोर, तो ये किसको मिला, कैरमेन मारिया मचाडो को, तो क्वेश्चन बुक के नाम से भी आ सकता है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई क्योंकि इसको प्राइज मिला है, तो आप जो है बुक्स इनको अच्छे से रिलेट करके आपको याद करके रखना है। इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMEs एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड, तो एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड जो है उस पर इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए SMEs के लिए, तो वो HDFC। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 फॉर हर नोवेल लोस्ट चाइल्ड्रन आर्काइव किसको मिला, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसको मिला, ये मिला वलेरिया लोजरेलियो जो किसके लिए मिला, इनका जो नोवेल है लोस्ट चिल्ड्रन आर्काइव उसके लिए मिला इसको। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकग्निजेशन अवार्ड ये किसको मिला, ये मिला यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन उनको मिला WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इसकी जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा आपके साथ, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला? तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड जो है नितिन राकेश और जेरी विंट को मिला 2021 का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फॉर एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? ये मिला डेविड डॉब को, और किसके लिए मिला? इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला। 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड फॉर हिज फोटो ऑफ एन ऑर्गुटन क्लिंगिंग ऑन ए ट्री, तो किसको मिला? 2021 का थॉमस विजयन को मिला। किसके लिए मिला? इनकी जो फोटो थी ऑर्गुटन क्लिंगिंग टू ए ट्री, इसके लिए मिला इन्हें 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड। गोल्ड रिकग्निशन अवार्ड फ्रॉम ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन 2021, तो ये किसको मिला? ये मिला GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, गोल्ड रिकग्निशन अवार्ड फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021, तो ये किसको मिला? ये मिला प्रोफेसर शैलेश गनपुले को, NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो ये किसको मिला? ये मिला फेमिलाल फॉरेस्ट्री को, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर बाय स्नोफ्लेक, तो जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर है वो जो स्नोफ्लेक के द्वारा दिया जाता है वो किसको मिला? वो मिला लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 फॉर हर वर्क इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो इसमें जो है मैंने अवार्ड का नाम और किसके लिए दिया जाता है या उन्हें जिसको भी ये प्राइज़ मिला है वो किसके लिए मिला है वो सभी इंक्लूड किया है। तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट अवार्ड है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 वो किसको मिला? वो मिला के शैलजा को, इनका जो काम था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में उसके लिए इनको ये मिला है। इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021, तो ये किसको मिला? ये मिला NTPC को, इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला? ये मिला कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? ये मिला हमारी दिल्ली मेट्रो को। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किसको मिला? ये मिला RK सबरवाल को। जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 ये किसको मिला? ये मिला पी बैंक रहा। तो ये सभी वीडियोस DSSB की पेडागोजी, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सभी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। ये इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा पूरी वीडियो का। और ये पार्ट वन था, पार्ट वन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट को फिर से मैं आपके सामने थोड़ी देर में लेके आऊँगा, तब तक इसको ध्यान से देखिए और चाहें तो आप भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी।